हे YouTube फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, फिलहाल इस वक्त मैं अपने रूम में, और आपको पता ही होगा मैं रात मथुरा आ गया था, ठीक है। और अभी मथुरा से मैं वृंदावन आ गया था रात, तो अभी रूम में हूँ और रूम ले लिया था यहाँ पर, ठीक है। दो दिन का लिया है, 15 तारीख का और 16 तारीख का, ठीक है। आराम से 2 दिन रुकेंगे यहाँ पर। और अभी गाइस मैं नहाता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये है बाथरूम, ठीक है, अभी नहाता हूँ मैं उठ गया हूँ अभी, और 7:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी नहाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और भाई कपड़े पहन लिए दूसरे, और आप देख सकते हैं आसपास कुछ ऐसा दिखता है। अभी बालकनी में खड़ा हूँ मैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। अभी देखने जाऊँगा मैं निधिवन, ठीक है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है, फिर उसके बाद एक और मंदिर देखूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रेम मंदिर देखूंगा रात को, ठीक है। तब तक रात हो जाएगी आराम से, बिल्कुल लाइट में अच्छी तरह दिखेगा प्रेम मंदिर, ठीक है। मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है। रात में नहीं देख पाया क्योंकि मैं रात लेट पहुँचा था यहाँ पर, टेम्पो वाले भैया ने मुझे यहाँ पर 2 बजे उतारा था रात को, तो लेट हो गया था मैं, ठीक है। तो अभी आराम से देखने जाएंगे मंदिर, तो बहुत अच्छा लगेगा। और यार मुझसे हरियाणवी बोली नहीं जाती यार, हिंदी पकड़ में आ गई है मेरे, ठीक है। तो देखते हैं यार किस चीज़ में ब्लॉग बनाऊंगा मैं, ठीक है, यानी किस भाषा में बनाऊंगा। तो दिखता है कुछ आसपास ऐसा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क है नीचे, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है भाई, आपको रियर कैमरे से दिखा दिया मैंने, नीचे है सड़क, आप देख सकते हैं ये सारी की सारी, ठीक है। और रात यहाँ पर पुलिस गेड़े मार रही थी भाई, मैंने देखी थी, ठीक। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अंदर की तरफ, आराम से अपने रूम में चलते हैं, और थोड़ी देर आराम से बैठ के फिर चला जाऊंगा मैं यहाँ से, ठीक है, फिर चेकआउट कर लेंगे यहाँ पर। वैसे चेकआउट करने का टाइम तो मेरा 12 बजे का है यहाँ पर, लेकिन मैं पहले ही कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये हमारा रूम आप देख सकते हैं सामने, कुछ ऐसा दिखता है आसपास, ये नीचे पौड़ियाँ गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं उधर। तो गाइस अभी चाय पी लिया मैंने, ठीक है, और अभी जा रहा हूँ मैं निधिवन, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी रिक्शा बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और जा रहा हूँ निधिवन 20 रुपये पर सवारी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सामने ऐसा दिखता है भाई, आपको पहुँच कर मिलते हैं निधिवन में, और निधिवन को देखते हुए बहुत मजा आएगा हमें, ठीक है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ भाई मैं एक मंदिर में, ठीक है, रिक्शा में से उतर चुका था मैं, और एक मंदिर में आ चुका हूँ, मेरे सामने मंदिर, चल रहा हूँ अभी, और बहुत मज़े कर रहा हूँ मैं तो, फुल अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर वृंदावन में आए हुए, ठीक है। आपको मंदिर दिखाता हूँ सामने से कैसा है, देखो इस मंदिर में आया हूँ मैं, आप देख सकते हैं सामने की तरफ देखो, और अंदर से भी दिखाऊंगा मैं। पहले भी आया था इस मंदिर में, जब आपने मेरी सांप वाली वीडियो देखी होगी ना, मैंने गले में सांप टांग रखा था। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं निधिवन में, आपको दिखाता हूँ मैं, प्यारा सा दिख रहा है मेरे सामने। एक बार पहले भी आया था मैं, वो वीडियो मेरी अच्छी रैंकिंग कर गई, ठीक है। तो अभी चलते हैं निधिवन के अंदर, आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं, ये है प्रवेश द्वार निधिवन का, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। यहाँ से अब अंदर जाऊँगा मैं, ठीक है, तो फिर चलते हैं, आप देख सकते हैं रात को भगवान कृष्ण यहीं आते हैं, ठीक है। तो गाइस जब आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ निधिवन के अंदर, आप देख सकते हैं वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। ये सामने से दिखता कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाइड यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सारा का सारा निधिवन। तो
गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है भगवान कृष्ण की खुशी में। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ही भगवान कृष्ण रात को अपनी लीला यहाँ रचाते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में भगवान कृष्ण नाचते हैं और आसपास उसे गोपियाँ नाचती है। जो यहाँ पर पेड़ खड़े हैं ना, ये सारे के सारे गोपी बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नृत्य हो रहा है यहाँ पर। गाइस अभी निधिवन से तो निकल चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर निधिवन में गया था, बहुत आनंद आ गया वहाँ पर, सभी चीज़ें देखी, ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण के सारे भक्त आते हैं, अंग्रेज भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है आसपास, आप देख सकते हैं चेहरे देख सकते हैं इनके। तो गाइस यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ, आप देख सकते हैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा खाना लग रहा है। ठीक है, 80 रुपये प्लेट है खाने की, तो अभी खाना खाते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे मंदिर में। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है ढाबा इनका, भाई आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी खाना तो खा लिया मैंने यहाँ पर, यार खाना बिल्कुल स्वाद नहीं था यार, बिल्कुल मतलब कि फीका फीका सा, सारी सब्जी फीकी थी यार, 4 सब्जी ली थी, 4 की 4 फीकी थी, और 2 मैदे की रोटी मिली थी, मतलब रोटी और भी ले सकते थे लेकिन मैंने ली नहीं यार। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी आ चुका हूँ भाई मैं निधिवन से, आपने देखा ही होगा, अभी रोड पर आ चुका हूँ, प्रेम मंदिर मेरे पास से 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अभी प्रेम मंदिर के आसपास जा रहा हूँ, प्रेम मंदिर में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं जाऊँगा, अभी तो 11 ही बजे हैं सुबह के, तो मैं रात को जाऊँगा प्रेम मंदिर में, तो बहुत मज़ा आएगा रात को। ठीक है, अभी जाऊँगा मैं माँ वैष्णो देवी मंदिर, फिर उसके बाद मैं रात हो जाएगी ना जब मैं जाऊँगा प्रेम मंदिर। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूं मैं माँ के भवन में, माँ वैष्णो के भवन में पहुंच चुका हूं, इतना सुंदर मंदिर है देखो, कमाल का मंदिर, आप देख सकते हैं पीछे कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पर, इतना सुंदर मंदिर है यार, सच में कमाल हो गया यार। यहाँ पर एक एक मूर्ति दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस प्रकार मूर्तियाँ सजी हुई है यहाँ पर, आपको सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियो बनाना कहीं कहीं अलाउड भी नहीं है। ठीक है, जहाँ बनाना अलाउड होगा मैं वहाँ आपको दिखा दूँगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सारे के सारे भक्त आए हुए हैं यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो कितने सारे भक्त आए हैं, आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दर्शन मार्ग, यहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है, और यहाँ पर लिखा है कृपया मूर्तियों को हाथ न लगाएं, भगवान कृष्ण है जो डांस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नृत्य हो रहा है। ठीक है, मूर्ति सुंदर है बहुत ज़्यादा, देखो कितनी हरी भरी मूर्ति, आप देख सकते हैं जीव मूर्तियाँ लग रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये स्टोर है, यहाँ पर माँ सरस्वती जी यहाँ पर विराजमान है, भगवान कृष्ण राधा मैया के साथ और कुछ गोपियों के साथ हैं विराजमान है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भगवान हनुमान आप देख सकते हैं पहाड़ उठाए हुए। ठीक है, पर भगवान राम लक्ष्मण को ले हुए हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे ना तब की स्टोरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा बैठे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और मंदिर की लाइट देखो आप लोग कितनी अच्छी लग रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सारी की सारी।